भारत में कोरोना के मामलों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि लगातार चौथे दिन कोरोना के नए मामले 20,000 से कम दर्ज किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 15,102 नए कोरोना के केस आए हैं। 278 संक्रमितों की जान चली गई है, जबकि इससे एक दिन पहले कोरोना के 13,405 नए मामले आए थे और 235 लोगों की जान गई थी। अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 31,377 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 16,553 एक्टिव केस कम हो गए हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 4,28,67,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 5,12,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 4,21,89,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 2,00,000 से कम है। कुल 1,64,522 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना के कुल मामले 4,28,67,031, कुल एक्टिव केस 1,64,522, कुल रिकवरी 4,21,89,887, कुल मौतें 5,12,622, कुल वैक्सीनेशन 176,19,39,000। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 22 फरवरी 2022 तक देश भर में 176,19,39,000 कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। बीते दिन 33.84 लाख टीके लगाए गए। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक करीब 76 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 11 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.20% है, जबकि रिकवरी रेट 98.42% है। एक्टिव केस 0.38% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 38वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।